इधर सागर की देवरी तहसील के गौर झामर में बस स्टैंड से लगी फूलबाग की जमीन को भूमाफिया की नजर लग गई है। यहां रातों रात पक्के मकान और दुकान बनाकर बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बता दें आपको कि गौर झामर में फूलबाग नाम से 15 एकड़ शासकीय जमीन है, जो नगर के बीचों बीच होने के कारण चलते बेहद कीमती है, और यही कारण है कि नगर के भूमाफिया इस जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं। वहीं जानकारी होने के बाद भी प्रशासन का मौन बने रहना इन माफियाओं के मंसूबों को बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि जानकर भी अनजान बना प्रशासन इस शासकीय जमीन को कब तक अतिक्रमण मुक्त करा पाता है। अवैध निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसमें एक प्रकरण जो है कल्लू अहिरवार, कल्लू महिरवान सिंह का प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में है, दर्ज है। मेरे द्वारा स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया है उसका। पंचायत की भूमि पर जो कब्जे की बात उठ रही है, जो केस हमारे यहाँ न्यायालय में चल रहा है, उसमें मेन मुद्दा यही है कि उनके पास पंचायत का एक पट्टा है। उनने साक्ष्य के रूप में जो पंचायत का पट्टा प्रस्तुत किया है उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। पंचायत से अभिमत लिया जाएगा कि ये जो पट्टा प्रदाय किया गया है ये किस वर्ष में प्रदाय किया गया है, वो वैलिड है कि नहीं है। तो उस आधार पे फिर जो है, यदि वो अवैध है वो पट्टा, तो फिर उनको बेदखल किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा।